टेक्निकल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे दोस्तों स्मार्टफोन में क्या होता है कि एक चार्जिंग का एक सपोर्ट होता है। तो कई कई बार किसी किसी का क्विक चार्जिंग होता है, किसी का फास्ट चार्जिंग होता है। तो ऐसे में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमारा जो नॉर्मल जो चार्जर जो हमारा नॉर्मल चार्जिंग का जो स्मार्टफोन होता है क्या उसमें हम फास्ट चार्जर लगा सकते हैं, उसी चीज़ को लेकर आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं फास्ट चार्जर की। तो फास्ट चार्जर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो रेटिंग अगर आएगी तो यहाँ पर 3 एम्पियर, 5 वोल्ट, 2.5 एम्पियर ऐसा भी होता है, कभी कभी 12 वोल्ट का भी होता है, 15 वोल्ट का भी होता है, 20 वोल्ट उसके ऊपर का भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे फास्ट चार्जिंग के एक एक टाइप्स है। सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पर जो नॉर्मल जो हमारे जो स्मार्टफोन थी उसमें नॉर्मल क्या होता है कि यानी कि नॉर्मल चार्जिंग का सपोर्ट होता है। तो नॉर्मल चार्जिंग का सपोर्ट क्या होता है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर, ये नॉर्मल चार्जर है। उसके नीचे जो 5 वोल्ट का जो चार्जर होता है वो उससे उसके भी नीचे आता है, यानी कि वो आपको लगभग 4 घंटे आपको लग जाएगा चार्ज करने के। तो आज मैं बात करूंगा कि यदि आपका जो स्मार्टफोन है यदि अगर वो 5 वोल्ट 2 एम्पियर यानी कि 10 वोल्ट का अगर स्मार्टफोन सपोर्ट करता है तो क्या उसे हम फास्ट चार्जर लगा सकते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि फास्ट चार्जर का दोस्तों सीन क्या होता है कि फास्ट चार्जर जो होता है उसकी जो अंदर एक डीपीयू, तो डीपी के अंदर क्या होता है कि एक ट्रांसफार्मर होता है, डिस्क ट्रांसफार्मर, जिसे डिस्क ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो वो डिस्क ट्रांसफार्मर की जो कॉइलिंग होती है उसकी थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उस पर डिपेंड करता है वो उतना जल्दी फास्ट चार्ज कर देगा, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो हमारा जो कॉर्ड होता है, जो लंबा जो कॉर्ड होता है, वो कॉर्ड भी काफ़ी अगर उसके अंदर की जो कॉपर है अगर वो कॉपर की भी थिकनेस अगर ज़्यादा होती है तो ऐसे में भी फास्ट चार्जिंग जल्दी से होने लगती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो स्मार्टफोन है यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादातर जो स्मार्टफोन होते हैं उसमें ही इनबिल्ट जो कभी कभार ऐसे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होता है और कुछ में नहीं होता है। उसका रीज़न क्या होता है यानी कि दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन में तो ये देख नहीं सकते, लेकिन अगर आप एक रिमूवेबल बैटरी अगर आप स्मार्टफोन अगर आप देखो तो रिमूवेबल बैटरी में आप देखोगे कि वहाँ पर आपको 3 टाइप्स का आपको कॉपर आपको मिलेगा, 3 लाइन का कॉपर आपको मिलेगा। तो वो 3 लाइन का कॉपर के अंदर दोस्तों यहाँ पर उसका जो थिकनेस होता है यानी कि उसके अंदर जो बैटरी पे जब वो पूरे सप्लाई जब वो पूरा फोर्स के वो भेजता है तो वहाँ पर उसके अंदर उसकी उसकी जो थिकनेस होती है उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो स्मार्टफोन है वो फास्ट चार्जिंग का जो सपोर्ट है वो ले पाएगा कि नहीं। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर उस वो बैटरी का जो अंदर का जो कॉपर है, बाहर का कॉपर नहीं उसका जो अंदर का कॉपर है, अगर उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है तो ये फास्ट चार्जिंग अगर आप किसी भी अगर आप फास्ट चार्जर अगर लगा दो तो ऐसे में आपका जो चार्जिंग है वो जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर आपका जो थिकनेस होगा वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपका थिकनेस अगर कम होता है तो ऐसे में क्या होगा कि वो चार्ज करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और कभी कभार तो हो भी जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि जो जगह है वो काफ़ी कम है और जगह में कैसे फोर्स जो चार्जिंग जो फास्ट चार्जिंग जो होता है वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी को भेजता है, क्योंकि जो कॉइलिंग ट्रांसफार्मर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, वो काफ़ी स्पीड में भेजता है। तो ऐसे में आपकी जो कॉइलिंग है जो कॉपर की जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर वो कम हुई तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी बैटरी स्वेल भी हो सकती है, ब्लास्ट का भी खतरा है कहीं ना कहीं, और बैटरी ख़राब भी हो सकती है। तो मैं अंत में यहाँ पर मेरा जो कंक्लूजन है मैं यही बोलूँगा कि आप यदि आपका स्मार्टफोन नॉर्मल चार्जर ही है यानी कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर का है तो आप फास्ट चार्जिंग इस पर मत ट्राई कीजिए, क्योंकि ऐसे में आपकी बैटरी को ही नुकसान होगा। बहुत सारे ऐसे भी स्मार्टफोन है जिसमें 5 वोल्ट 2 एम्पियर का होकर भी फास्ट चार्जिंग जो है वो सपोर्ट कर लेता है, चार्ज होता है फास्ट में, लेकिन मैं आपको रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो यही थे कुछ यहाँ पर फंडास फास्ट चार्जिंग क्या हम कर सकते हैं कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना जरूर, लाइक करना साथ में प्रेस करना। तो मिलता है आपको में, तब तक के लिए बाय।